थैंक्स इंडिया चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम जानेंगे भारत की 5 सबसे बड़ी झीलों के बारे में कुछ रोचक जानकारियों के साथ। आप अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर देना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। नंबर 5, पैंगोंग त्सो। पैंगोंग त्सो भारत के लद्दाख में स्थित है। यह समुद्र तल से 4500 मीटर की ऊँचाई पर स्थित है और यह 134 किलोमीटर तक लंबी है। लद्दाख से यह तिब्बत पहुँचती है और तिब्बत में इसका 2/3 हिस्सा है। यह खारे पानी की झील है, लेकिन सर्दियों का मौसम आते ही ये पूरी तरीके से जम जाते हैं। यह झील 699 किलोमीटर स्क्वायर जितना बड़ा है। नंबर 4, पुलिकट झील। यह झील भारत के आंध्र प्रदेश राज्य में स्थित है और इसी झील के पास श्रीहरिकोटा स्थित है, जहां पर भारत का अंतरिक्ष कार्यक्रम संचालन होता है। यहीं से सारे रॉकेट भी अंतरिक्ष में भेजे जाते हैं। यह झील 761 किलोमीटर स्क्वायर जितना बड़ा है। यह खारे पानी का झील है। यह झील लगभग 60 किलोमीटर तक लंबा है और इसकी अधिकतम चौड़ाई 17.5 किलोमीटर पर है। इस झील की गहराई 1 मीटर तक है। नंबर 3, शिवसागर झील। यह झील भारत के महाराष्ट्र राज्य में स्थित है। महाराष्ट्र के सतारा जिले में स्थित यह झील 891 किलोमीटर स्क्वायर जितना बड़ा है और यह कोयना नदी की वजह से बनता है। दरअसल यह कोयना नदी द्वारा बना हुआ है। ये कोयना डैम भी है। नंबर 2, वैम्बनाड झील। वैम्बनाड भारत के सबसे बड़े झीलों में से एक है। यह झील 96.5 किलोमीटर जितना लंबा है और इसके क्षेत्रफल की बात करें तो यह 2033 किलोमीटर स्क्वायर जितना बड़ा है। यह झील केरल के कई जिलों में फैला हुआ है। नंबर 1, चिल्का झील। चिल्का झील उड़ीसा प्रदेश के समुद्री और प्रवाही जल से बनी हुई एक झील है। इसे भारत की सबसे बड़ी झील कहा जाता है। यह झील 70 किलोमीटर तक लंबी है और 30 किलोमीटर तक चौड़ी है। इस झील का क्षेत्रफल 1165 किलोमीटर स्क्वायर है। इसकी औसतन गहराई 3 मीटर है। यह एक खारे पानी का झील है। झील से लगभग 3560 किलोमीटर स्क्वायर के क्षेत्र में पानी ठहर सकता है। वीडियो में दी गई जानकारी आपको कैसी लगी दोस्तों कमेंट करके बताना। स्क्रीन पे आ रही अगली वीडियो भी देख लेना। आप अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके ऑन कर देना। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिएगा। चलिए दोस्तों फिर मिलते हैं किसी और वीडियो में। नमस्ते।